बच्चों अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर नंबर 5 जिसमें हम डिस्कस करेंगे, अभी एक सम थोड़ा बड़ा है तो वही पूरा डिस्कस करेंगे, सम नंबर 3 जिसमें हम थर्ड सम में 5 क्वेश्चन कवर करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों आपको क्वेश्चन में क्या दिया गया है, तो आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो ध्यान से दिया हुआ है कुछ इस तरह की इंफॉर्मेशन है, द फॉलोइंग आर द एपीज, फाइंड आउट द मिसिंग टर्म ऑफ द बॉक्सिस, ये बॉक्स है उसकी मिसिंग टर्म बच्चों आपको फाइंड आउट करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों आप बोलोगे कि सर स्टार्ट कैसे करना है, तो आपको वो क्लियर करना है बच्चों, फॉर्मूला आपको क्लियर ही है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। तो आप बोलोगे सर सबसे पहले स्टार्ट कैसे करना है, तो आपको क्या दिया हुआ है बच्चों आप ध्यान से देखोगे, तो यहां आप देखोगे तो आप ए दिया हुआ है 2, बाद में ए 2 क्वेश्चन मार्क है और आपको ढूंढना है, ए 3 दिया हुआ है 26, आपको A2 ढूंढना है बच्चों। तो सबसे पहले आप बोलोगे सर A3 का यूज करके बच्चों कुछ ढूंढ सकते हैं, तो आप बोलोगे हाँ सर ढूंढ सकते हैं क्योंकि A की जगह हमें 2 पता है, N की जगह आप बोलोगे सर 3-1 क्योंकि ये A3 है और डिफरेंस हमें नहीं पता, तो आप बोलोगे सर A3 की जगह आप 26 रख दो, यहाँ पे आप रख दो -2 इज इक्वल टू 2D, 24 और 2D, 24 डिवाइड बाय 2 तो हो जाएगा 12। तो A एंड D हमारा बच्चों आ गया है, तो A एंड D आने की वजह से आप बोलोगे सर अभी हम क्या कर सकते हैं, तो आप बोलोगे सर सिंपली वे में आगे बढ़ो, तो आगे बढ़ेंगे तो A और D के बाद A2 ढूंढ सकते हैं, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे लिखा जाएगा 2 माइनस, सीधा लिखते A2 इज इक्वल टू यहाँ पे an इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन। बच्चों फॉर्मूला लिखने बहुत जरूरी है सभी जगह पे, प्रेजेंटेशन बहुत जरूरी है, a जो है वो 2 है, n जो है 2 माइनस वन है, और d बच्चों क्या लिखेंगे, तो आप बोलोगे सर ढूंढा है 12, तो आप बोलोगे सर 2 ये 1 ये 12 मल्टीप्लाई करोगे तो 12 हो जाएगा और ये हो जाएगा 14। तो इसका फाइनल आंसर हमें जो चाहिए उसका फाइनल आंसर बच्चों क्या आ गया, तो आ गया 14, जो हमें ढूंढना था वो हमने ढूंढ लिया, ए 1 हो गया मतलब 1 हो गया। सेम वे आप बोलोगे सर 2 ढूंढते हैं, तो 2 का क्या है, सबसे पहले बच्चों देखो ये थोड़ा अच्छा वाला सम है, तो आप बोलोगे सर एक क्वेश्चन मार्क है, A2 हमें दिया हुआ है 13, और आप बोलोगे सर A3 हमें दिया नहीं है क्वेश्चन मार्क, और A4 दिया हुआ है 3। तो जैसे ये खत्म होगा इसके बाद आप बोलोगे सर अब क्या करना है, तो बहुत सिंपली सिंपल बात बच्चों करना है, यहाँ पे सबसे पहले an लिखना शुरू करो, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन। बच्चों यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे आपको बहुत सारी अलग अलग मेथड भी आपको क्लियर करनी होगी, एलिमिनेशन मेथड का यूज होगा, तो कैसे हम इक्वेशन बनाएंगे वो ध्यान से देखना। तो बच्चों सबसे पहले आप बोलोगे सर a तो हमें नहीं पता, A2 से बात करते, तो A2 हमारा a होगा, आप बोलोगे सर यहाँ पे 2-1 और D के पता है, आप बोलोगे सर D भी नहीं पता, A2 की जगह लिख दिया 13 और यहाँ पे 2-1 D, इसको फर्स्ट इक्वेशन बना दिया। बच्चों यहाँ A और D से इक्वेशन बनेगा, जब भी हम X और Y और A और B से बनाते थे यहाँ A और D से बनेगा। जैसे ये कंप्लीट होगा उसके बाद आप बोलोगे सर A4 का भी एक इक्वेशन रेडी करते हैं, तो A4 आप बोलोगे सर यहाँ पे लिखो A की जगह तो A 4-1 and D, A4 की जगह लिखेंगे 3A 3D, तो ये हो जाएगा इक्वेशन 2। तो हम लिखते हैं सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, मतलब आप बोलोगे सब्ट्रैक्ट करना है 2 में से 1 को माइनस करना है, तो आप बोलोगे सर a प्लस 3d इज इक्वल टू 3 और यहाँ पे बोलोगे a प्लस d इज इक्वल टू यहाँ पे 13। इसके बाद आप बोलोगे सर साइन चेंज करेंगे तो ये कट हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 2D और यहाँ पे हम करेंगे तो 10 और ये माइनस की साइन, तो आप बोलोगे सर 10/2 तो हो जाएगा बच्चों -5। क्या हो जाएगा बच्चों -5, जैसे -5 होता है तो आप बोलोगे सर, जैसे -5 आ गया बच्चों उसके बाद आप बोलोगे सर अभी तो हम आराम से ए भी ढूंढ सकते हैं, तो ए ढूंढने के लिए बच्चों क्या करेंगे, तो आप बोलोगे सर सिंपली आपको लिखना है पुट D इज इक्वल टू -5 इन इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 में हम पुट करेंगे, तो आप बोलोगे सर इक्वेशन 1 ये रहा a प्लस d इज इक्वल टू 13, वेर a की जगह आप बोलोगे सर क्या रखना है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे जो होगा यहाँ पे a की जगह आप बोलोगे सर a तो हमें नहीं पता, d पता है, d कितना है -5
इज इक्वल टू 13, ए इज इक्वल टू 13 प्लस 5, तो आप बोलोगे सर ये 18 हो जाएगा। बच्चों हमारा एक स्टेप क्लियर हो गया, ए जो ढूंढना था वो। अभी हम ए थ्री ढूंढ सकते हैं, तो आप बोलोगे सर ए थ्री बहुत सिंपल है, ए थ्री इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी, ए एन इज इक्वल टू ए थ्री जगह ए थ्री, ए की जगह 18, एन की जगह 3 माइनस वन, डी की जगह माइनस 5। आप बोलोगे सर ये 10, ये 2, ये माइनस 5, तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा माइनस 10 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा स्टेप आप में बच्चों ध्यान में रखना है, तो ये हो जाएगा 0। और इसके साथ बच्चों हमारा ये सेकेंड नंबर का सम खत्म हो गया। तो आपसे मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि बच्चों आपको क्या करना है, अच्छी तरह नोटबुक में ये लिख लो, जिससे क्या होगा आपको कुछ भी देखना है तो आराम से आप ये कर सकते हो। यहाँ पे बच्चों लिखेंगे तो 18 माइनस 10, तो आप बोलोगे सर 8 फाइनल आंसर आ गया। 8 फाइनल आंसर आते ही हमारा सेकंड नंबर का बच्चों सम खत्म हो गया। अभी मैं आपसे बोलूंगा कि यहाँ फर्स्ट और सेकंड शांति से लिख लीजिए, उसके बाद हम 3, 4 एंड 5 सम स्टार्ट करेंगे। तो अब लिखना स्टार्ट करेंगे बच्चों, ए टू जो हमारे पास नहीं है तो हमारे में क्वेश्चन मार्क है ए टू। आप बोलोगे सर ए थ्री क्वेश्चन मार्क है, और आगे दिया हुआ है जो ए फोर है वो दिया हुआ है कितना बच्चों, तो आप बोलोगे सर 9 इंटू 1/2 मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ है, इसको कन्वर्ट करेंगे तो 18 प्लस 1 19 डिवाइड बाय 2। इसके साथ हमारा सम नंबर 3 जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर हमने लिख लिया है, तो आप बोलोगे सर अभी क्या करेंगे, तो ए फोर का फॉर्मूला अप्लाई करके हम उसमें आंसर लाएंगे। तो आप बोलोगे सर ए फोर जो है वो, आप बोलोगे सर यहाँ पे 4 लिया, यहाँ पे ए की जगह 5 लेंगे, 4 माइनस 1, और डी की जगह आप बोलोगे सर डी हमें पता नहीं है, यहाँ पे लिखेंगे 19 बाय 2 इंटू, बाद में वो इंटू वाला बाद में, तो आप बोलोगे सर 5 प्लस यहाँ पे लिखेंगे बच्चों 3, कितना लिखेंगे 3, यहाँ पे लिखेंगे आप बोलोगे सर 19/2 माइनस 5 इज इक्वल टू 3 डी। आगे चलते बच्चों, तो यहाँ पे लिखेंगे एलसीएम लेंगे 2 का, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे 10, यहाँ पे 9, 3 बाय 3 इंटू डी, तो आप बोलोगे सर यहाँ होगा 9 बाय 2 क्योंकि 19 में से 10 जाएगा तो 9 आएगा, और 2 का 2 आप बोलोगे 3 डी। इसके आगे बच्चों जाएंगे तो 9 × 2 × 3 इज इक्वल टू डी, तो आप बोलोगे 3/2 डी आपका आ गया। जैसे डी आ जाएगा बच्चों आप बोलोगे सर इसके बाद बहुत सिंपल है, हमें खाली करना क्या है बच्चों, जैसे ये आएगा तो इसके बाद आप बोलोगे सर इसके बाद हमें जो करना है वो बहुत सिंपल है, हमें ए टू ढूंढना है। तो आप बोलोगे सर ए एन की फॉर्मूला फिर से लिखो, ए प्लस एन माइनस वन डी, तो आप बोलोगे सर ए टू का तो हमें पता नहीं है, डी का आप बोलोगे सर सिंपली ए की जगह 5 लिखोगे, एन की जगह आप बोलोगे सर 2 माइनस 1, और डी की जगह आप बोलोगे सर 3/2, आप बोलोगे सर ये 5 हो गया, और यहाँ बोलेंगे तो 1 × 3/2, तो आपको सॉल्व करेंगे तो 2, यहाँ पे तो एलसीएम लेंगे तो होगा 10 प्लस 3, तो हो जाएगा 13/2, क्या हो जाएगा बच्चों 13/2, ये हमारा हो गया आंसर। आप बोलोगे सर ए टू का आंसर, आप बोलोगे सर अभी ए थ्री का आंसर हमें ढूंढना बाकी है, जो आप बच्चों करोगे क्योंकि ए थ्री बहुत सिंपल है। चलो मैं ही कर देता हूँ, एक सम में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको मैं एक एक्स्ट्रा बोल रहा हूँ वो करना है। आप बोलोगे सर यहाँ ए क्या लोगे, तो ए होगा 5, यहाँ पे होगा 3 माइनस 1, एंड डी कितना लोगे बच्चा, तो डी आप बोलोगे सर यहाँ ढूंढ के रखा हुआ है 3/2, आप बोलोगे सर ये 5, ये 2 × 3/2, 2 कट हो जाएगा तो 5 + 3 हो जाएगा, तो 8 आंसर आएगा। आपको अभी मुझे बोलना है ए 5 का आंसर, ए 6 का आंसर, ये दोनों के आंसर आपको मुझे बताने हैं। इसमें कोई डाउट होता है तो आपको मुझे पूछना है, और आंसर आ जाए तो कमेंट सेक्शन में आपको ये लिखना है। ये हमारा आंसर था 3 का, अभी हम 4th नंबर का स्टार्ट करेंगे। बच्चों अभी स्टार्ट करते हैं 4th नंबर का क्वेश्चन, जिसमें दिया हुआ है -4, ए 2 नहीं है, ए 3 नहीं है, ए 4 भी नहीं है, ए 5 भी नहीं है बच्चों, और ए 6 है जो 6 है, यहां तक दिया हुआ है। तो आप बोलोगे सर कैसे करेंगे, तो बहुत सिंपल, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी, तो आप ए एन की जगह तो एन ही रखोगे, ए 6, ए की जगह माइनस 4, 6 माइनस 1, और यहाँ का डी। आप बोलोगे सर ए 6 की जगह लिखेंगे यहाँ पे 6 माइनस 4, ये 5 और ये डी, 6 + 4 तो हो जाएगा बच्चों 10, 10 इज इक्वल टू 5 डी,
10 डिवाइड बाय 5 तो हो जाएगा 2 इज इक्वल टू डी। 2 इज इक्वल टू डी आने के बाद आप बोलोगे सर सिंपली हमें क्या चाहिए, ए और डी दोनों मिल गए, तो आपको ये A2, A3, A4, A5 आपको खुद से करना है बच्चों। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको समझ में आ गया होगा। अभी हम लास्ट सम करते हैं, फिफ्थ नंबर का सम, लास्ट सम थोड़ा अच्छा है तो हमें थोड़ी जगह भी चाहिए, तो वो हम मिटा देते हैं। आप पॉज करके पहले इतना लिख लो। तो यहाँ पे लिखेंगे ए हमारे पास नहीं है, आप बोलोगे सर A2 आपके पास है 38, A3 क्वेश्चन मार्क है, इसके बाद आप बोलोगे सर A4 क्वेश्चन मार्क, A5 क्वेश्चन मार्क, और जो A6 है वो दिया हुआ है -22। जैसे ये होगा तो बच्चों आप बोलोगे सर अभी तो इसमें दो इक्वेशन आएंगे, दो इक्वेशन का यूज करके आपको ए एंड डी ढूंढना है। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं, इक्वेशन मैं ढूंढूंगा ए और डी, आपसे ये ऊपर का ढूंढना आपको है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बच्चों, तो आप बोलोगे सर यहां सिंपली लिखो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। आप लिखोगे यहां पे a2 और यहां पे a, यहां पे 2 माइनस 1 और d, तो ये 38a एंड 1d, ये हमारा इक्वेशन 1 रेडी हो गया बच्चों। आप बोलोगे सर इसके बाद क्या करना है, तो अभी आपका इक्वेशन वो जो हुआ 2 का हुआ, अभी आप बोलोगे सर 6 का दिया हुआ है, तो A6 इज इक्वल टू A प्लस 6 माइनस 1 और D का D, तो आप बोलोगे सर ये जो है 22 ये माइनस ये 5D, तो आप बोलोगे सर ये इक्वेशन 2 भी रेडी हो गया, तो आप लिखेंगे सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। तो आप बोलोगे सर ये हम यूज कर रहे हैं एलिमिनेशन एलिमिनेशन मेथड, तो यहां लिखेंगे 22 माइनस में और यहाँ पे a प्लस 5d और यहाँ पे लिखेंगे बच्चों आप सिंपली 38 a प्लस d, तो यहाँ करेंगे बच्चों तो क्या होगा, तो इसके साथ आप बोलोगे सर यहाँ माइनस की साइन लगानी पड़ेगी, तो यहाँ पे a कट हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर 38 एंड 22 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर 4 एंड 5 50 माइनस में हो जाएगा, और ये करोगे तो कितना हो जाएगा बच्चों 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों 60, टोटल करेंगे तो 60 हो जाएगा -60, और आप बोलोगे सर ये 4 हो जाएगा, तो बोलोगे 60/4, तो बच्चों आप बोलोगे -15d हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे d आएगा तो बच्चों आप बोलोगे सर -d आ गया, -d नहीं बोलेंगे -15 आ गया, जो d का आंसर आ गया। आप बोलोगे सर कोई भी इक्वेशन में रखते हैं तो लिखते हैं पुट D इज इक्वल टू -50 इन इक्वेशन 1 में लिख देते हैं बच्चों। इक्वेशन 1 में लिखते ही आप बोलोगे सर सिंपली हमें क्या करना है, आगे आप बोलोगे सर सिंपली आपको लिखना है इक्वेशन 1 जो है 38 इज इक्वल टू ए प्लस डी, डी की जगह आप बोलोगे सर अभी लिख दो -15, माइनस ये तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर प्लस करेंगे तो कितना होगा बच्चों, तो आप करोगे तो 53d का आंसर आएगा। डी का 53 आंसर आने के साथ आप बोलोगे सर हमारे पास ए भी आ गया है, डी भी आ गया, तो अभी बच्चों हम क्या कर सकते हैं, तो सिंपली आप बोलोगे सर अभी आप ढूंढ सकते हैं, ए तो हमने ढूंढ लिया है, तो आपको ढूंढना है A2 हो गया है, A3 A4 A5 आपको ढूंढना है, और मेरी ओर से एक छोटा सा आपको A7 और A8 ढूंढना है, और मुझे कॉमेंट सेक्शन में ये बताना है कि ये इसका आंसर क्या आएगा। बच्चों आपको यही हम लेक्चर खत्म करते हैं, आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, मिलेंगे नए लेक्चर में नए सम के साथ, फिर से आगे जाएंगे।